कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रेप्लिकेशन कैसे होता है। कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक। ठीक है, तो यही बता रहा है डीएनए रेप्लिकेशन जो हम लोग अभी पढ़ेंगे उसमें क्या क्या चीज देखेंगे। एक जगह लिख दिया गया है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं इसमें क्या क्या बात होने जा रहा है। देखिए स्लाइड नंबर वन ऑफ, देखिए ढंग से, रिक्वायरमेंट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए हेलिकेज, एसएसबी, टोपोआइसोमेरेज, प्राइमेज जो कि आरएनए है, डीएनए पॉलीमरेज, नहीं, स्लाइडिंग क्लैम, आरएनए एच, डीएनए लाइकेज, ये सब क्या है रिक्वायरमेंट। कैसे होगा ये देखिए, हेलिकेज आया तो रहा बबल बन गया और एक बबल में दो रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। यही रेप्लिकेशन फॉर्क है, एक बबल दो फॉर्क याद रखिएगा, एक बबल में दो फॉर्क होता है। नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट एसएसबीपी आएगा जो क्या क्या बाइंड करके बबल को स्टेबलाइज कर दिया, बबल स्टेबलाइज हो गया मतलब दोनों के बीच अब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट टोपोआइसोमेरेज ट्रोपोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बताया था दो तरह का होता है टोपोआइसोमेरेज, फर्स्ट टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। फर्स्ट में बताए थे एक स्टैंड काटेगा एटीपी की मदद से उल्टा घुमा के जोड़ देगा, और सेकेंड में बताए थे दोनों स्टैंड काटेगा और देन उल्टा घुमा के जोड़ेगा। तो टोपो आइसोमेरेज, जिसका दूसरा भी नाम है डीएनए गैरेज, टोपो आइसोमेरेज को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, डीएनए गैरेज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो टोपो आइसोमेरेज की बात किया। नेक्स्ट प्राइमेज, प्राइमर आके बना दिया 5' से 3' डायरेक्शन पे, प्राइमर का जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का 3 रिक्वायरमेंट था जिसमें से 2 रिक्वायरमेंट फुलफिल था, तीसरा आके प्राइमर फुलफिल करता है। प्राइमर का जरूरत क्यों पड़ा अगर पूछेगा तो बोलना है कि जो 3' OH एक्सपोज जो डीएनए पॉलीमरेज मांग रहा था रिक्वायरमेंट में वो प्राइमर आके देता है, बाकी दोनों का दो ही है। जैसे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का रिक्वायरमेंट क्या बताया मैं, डीएनए पॉलीमरेज का टेम्पलेट स्टैंड चाहिए, जब भी चलेगा अपना 5' से 3' डायरेक्शन पे चलेगा, और तीसरा बताया कम से कम एक OH चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज का दो ही रिक्वायरमेंट था, टेम्पलेट स्टैंड चाहिए, जब भी चलेगा अपना 5' से 3' डायरेक्शन पे चलेगा, OH न भी देंगे तो काम करेगा। तो यहां दो रिक्वायरमेंट तो पहले से फुलफिल था, बस OH वाला गड़बड़ था, इसीलिए इसको आरएनए पॉलीमरेज को बुलाया जाता है कि आ भाई और OH बना के दे दे ताकि डीएनए पॉलीमरेज आके अपना काम स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट यही डीएनए पॉलीमरेज है, बताया था कि दो स्टैंड का जो साइमल्टेनियस रेप्लिकेशन होगा, ये बात ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट बताया था। मैंने बताया लीडिंग स्टैंड में एक बार प्राइमर बना तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होते चला जाएगा, लेकिन लैगिंग स्टैंड में बार बार
प्राइमर बनाने का जरूरत होता है, जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये आरएनए यहाँ पे बना रहा है, ऊपर में एक बार बनाया, ये कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, जो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा तो आगे बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलता है लीडिंग स्ट्रैंड, और जो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है लैग कर जाएगा, धीरे जाएगा, स्लो जाएगा, इसीलिए लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट लीडिंग स्ट्रैंड फास्ट बाइंड करेगा। DNA polymerases are capable of adding up to 1,000 nucleotides to the growing daughter strand every second. The ability of an enzyme to catalyze many reactions before releasing its substrate is called processivity. To increase the degree of processivity of DNA polymerase, a sliding DNA clamp surrounds the DNA and binds to DNA polymerase, holding them together. क्या बोला? DNA polymerase जैसे बाइंड किया, मतलब RNA पॉलीमरेज या प्राइमेज आके अपना काम कर दिया, तभी जाके बाइंड करेगा, और ये जैसे बाइंड करेगा तो पॉलीमराइजेशन फास्ट करेगा। कितना पॉलीमराइजेशन फास्ट करेगा? तो पर सेकेंड 1000 न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का क्षमता रखता है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज स्लिप ना कर जाए, स्लिप, तो इसके लिए बना हुआ है स्लाइडिंग क्लैंप। स्लाइडिंग क्लैंप आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, इसीलिए मैंने चर्चा नहीं किया, लेकिन हल्का सा एक आइडिया दे देता हूं। फिगर देख रहे हैं तो, वीडियो देख रहे हैं तो, बच्चों कभी आप तार वार के पैर पैर पे चढ़ते देखे हो किसी को? पैर में देखिएगा रबर रहता है, रबर लेके चढ़ता है, या रस्सी जैसा रहता है गोल ऐसा रिंग, नहीं तो वो स्लिप कर जाएगा। तो वो क्या करता है? रबर उसको स्लिप करने से बचा रहा है। सेम काम यहां है स्लाइडिंग क्लैंप का। जो डीएनए पॉलीमरेज का जो प्रोसेसिविटी है, जो पर सेकेंड 1000 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है, नहीं तो उसका प्रोसेसिविटी मेंटेन रहे, ये स्लिप ना कर जाए, नहीं उसके लिए क्या दिया हुआ है? स्लाइडिंग क्लैंप, जो पीछे से आपको दिख रहा है वायलेट कलर का राउंड राउंड, ये आके जुड़ जाता है ताकि इसका प्रोसेसिविटी को मेंटेन करके रखा जा सके। नेक्स्ट, रिमेंबर डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली ऐड डीएनजीपीज टू द 3 प्राइम एंड, जब भी जोड़ेगा 3 प्राइम पे, क्योंकि 3 प्राइम पे ही एक्सपोज ओएच ग्रुप होगा। 3 प्राइम पे ही क्या होगा? ओएच ग्रुप एक्सपोज होगा। नहीं ये इस तरह से लीडिंग लैगिंग स्ट्रैंड का बात किया। नेक्स्ट आरएनए जे चाहेगा, क्या करेगा? आरएनए मतलब आरएनए को काटने वाला एच फोर हाइब्रिड, तो हाइब्रिड किसको बोलेंगे? जहां डीएनए और आरएनए दोनों रहेगा उसको कटवा देगा, नहीं उसको कटवाएगा। और यहां पे देखिए ओकाजाकी फ्रेगमेंट बता दिया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट केवल लैगिंग स्ट्रैंड में मिलता है, लीडिंग में नहीं मिलता है। लीडिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी की बात नहीं करते हैं, लैगिंग में। अब देखिए आरएनए जज आएगा और किसको कटवाएगा? न्यूक्लियोटाइड को। कैसा न्यूक्लियोटाइड को? राइबोज वाला की डीऑक्सीराइबोज वाला? राइबोज वाला ना आरएनए बनाया, आरएनए आरएनए कौन बनता है? राइबोज ना। तो आपसे पूछ सकता है आरएनए एच किस टाइप के न्यूक्लियोटाइड को काटता है? तो आप तो सोचिएगा कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, डीऑक्सीराइबोज जैसे अभी ये गलती कर रही थी, तो काटेगा किसको? वहां बीच में आरएनए है वो उसको कटवाएगा। नेक्स्ट देखिए आरएनए जैसा आया, जहां जहां हाइब्रिड है काट दिया, अब डीएनए is removed by a separate exonuclease which varies between eukaryotes and prokaryotes. अब कौन आएगा? अब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आएगा, जो बीच बीच में गैप बन गया उस गैप को फुलफिल करेगा। नेक्स्ट देखिए आरएनए प्राइमर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये फर्स्ट, थर्ड नहीं आता इसके लिए, फर्स्ट आता है। लेकिन गौर से देखिए कर तो दिया, बीच बीच में क्या हो गया? निकिंग हो गया, कटिंग है अभी भी। कट को गोन जोड़ेगा, लाइगेज विद द हेल्प ऑफ एटीपी। लाइगेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा? एस्टर बॉन्ड। लाइगेज कौन सा बॉन्ड बनाएगा? यहाँ एस्टर बॉन्ड, और आके इसको जोड़ देगा। नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ एटीपी लाइगेज इसको सील कर दिया। देखिए डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो गया, आपका एनसीईआरटी में इतना ही करना था, रेप्लिकेशन। समझ में आ गया? आ गया। लेकिन एक दो स्टेप आगे बढ़ते जो आपको पढ़ना नहीं है, बट देख लीजिए।
बता चुका ये प्रोकैरियोट में बता रहा है, प्रोकैरियोट में ये बता रहा है कि बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में इस तरह का मॉडल होता है, ट्रम्बोन मॉडल के नाम से इसको जाना जाता है। ये बोन के तरह दिखता है, हम लोग का जो थाई वाला बोन होता है कमर के पास, ये बोन ये और इधर थाई वाला बोन, इसीलिए इसका नाम दिया ट्रम्बोन मॉडल। एक रेप्लिकेशन फॉर्क में, एक यहाँ पे एक रेप्लिकेशन फॉर्क में, एक रेप्लिकेशन फॉर्क में एट अ टाइम दो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड रहता है, ट्रम्बोन मॉडल की बात कर रहा है। तो इसका मतलब एक बबल में चार, एक बबल में कितना बाइंड होगा, चार। जब इस, ये भी प्रोटीन है, ये जो बोन की तरह दिख रहा है ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, सबको मिला के नाम देता होलो एंजाइम। अलग बात है कि ये प्रोटीन आपके लेवल में पढ़ना नहीं था, सिर्फ ये था तो ये बताया। देखिए इस पे कैसे प्रोसेसिविटी करता है, और आपके क्वेश्चन का आंसर थोड़ी देर में दे रहा हूं। एक साथ कैसे दोनों एक्सटेंड साइमल्टेनियस रेप्लिकेट करता है, ऊपर वाला लीडिंग एक्सटेंड है, नीचे वाला लैगिंग एक्सटेंड है, बीच में हेलिकेज आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड काटता जा रहा है। चलिए अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। बीच में देखिए ऑरेंज जैसा क्या दिख रहा है, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड काटा। जैसे हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड काटेगा यहीं पे आरएनए पॉलीमरेज बोले तो प्राइमेज आके देखिए आरएनए बना दिया, ये ग्रीन वाला क्या दिखा रहे, यहां पे आया स्लाइडिंग क्लैंप डीएनए पॉलीमरेज, जिस पे आया डीएनए का पॉलीमराइजेशन किया, आरएनए जैसा आके इसको काट दिया हाइब्रिड को, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और देन लैगेज आके सील कर दिया। नहीं, सारा प्रोसेस साइमल्टेनियस चलता है, ऊपर वाला लीडिंग एस्टेंट को दिखा रहा है, कोई झमेला नहीं है, कंटिन्यूअस आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पीछे वाला देखिए बार बार इसको क्या करना पड़ रहा है, आरएनए, बार बार इसको आरएनए बनवाना पड़ रहा है, बोले तो प्राइमेस, प्राइमेस आएगा बार बार और वो आरएनए बार बार बनाएगा। जो ग्रीन वाला यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है आपको, वो क्या है, आरएनए को बनता है, बनाते दिखा रहा है। तो ट्रम्बोन मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे साइमल्टेनियस एक साथ दोनों एस्टेंट रेप्लीकेट कर रहा है। क्लियर, नेक्स्ट। इसी को क्लैंप लोडर बोलता है, स्लाइडिंग क्लैंप को जो लोड करता है। क्लियर है ये कैसे कैसे काम करता है, खत्म। क्लियर है यहां तक, ये पूरा जो मैंने बताया क्या बताया आपको, डीएनए का रेप्लिकेशन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको ये बता दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बतला दिया। आई थिंक सारा बात आपको समझ में आ गया होगा। घर जाइए एक बार नोट्स पढ़िए, देन एनसीईआरटी पढ़िए और क्वेश्चन बना के देखिए, ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन का, मेडिकल एग्जाम का सारा ही क्वेश्चन बनेगा। क्या करना है, नोट्स प्लस एनसीईआरटी, नोट्स प्लस एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोर देन सफिशियंट है। देन क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखिए। पहला प्रोसेस खत्म हो गया डीएनए रेप्लिकेशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, लाइव के बच्चे, बाय।